चैप्टर वन इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़े थे. लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल को पढ़ लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेन एंड सिस्टम लेवल से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ऑर्गेन एंड सिस्टम लेवल. ऑर्गन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम टिश्यूज जो एक ही जैसे हों, जिन जो एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हों, वो सब कंबाइन करके एक ऑर्गन बना देते हैं. यानी कि हम कहते हैं कि रिलेटेड टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन. तमाम रिलेटेड टिश्यू का क्या मतलब है? ऐसे टिश्यूज जो कि एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, जो एक ही काम करते हों, उन सबको हम कंबाइन फॉर्म में एक ऑर्गन कह देते हैं. अब डिफरेंट ऑर्गन्स के भी अपने आगे से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर स्टमक एक ऑर्गन है, इसी तरह एक लिवर ऑर्गन है, इसी तरह लंग्स एक ऑर्गन है, इसी तरह मजीद जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन होते हैं. स्टमक के एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं. स्टमक का बेसिकली क्या फंक्शन होता है? स्टमक को हम पढ़ते हैं कि स्टमक का काम यह है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है. या मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्टमक का क्या काम है कि वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को. अब स्टमक किस तरह से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ह्यूमन स्टमक है. सॉरी, ह्यूमन स्टमक. अगर हम इसकी शेप को देखें तो इसकी कुछ इस तरह से शेप है कि इसकी जो लेयर है, इसकी बाहर दो तरह की लेयर्स हैं. एक को हम कहते हैं सिक्रीटरी एपिथीलियम, सिक्रीटरी एपिथीलियम, और एक को हम कहते हैं ये मस्कुलर लेयर है, इसका मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी है. अब इन दो लेयर्स का अपना अपना काम है. जो सिक्रीटरी एपिथीलियम है इसका काम यह है कि ये सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस को. गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है. इसके अंदर एसिड्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं. और जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू का काम यह होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. और इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से होता क्या है, उससे होता यह है कि फूड जो है वो मिक्स हो जाती है इस गैस्ट्रिक जूस के साथ. तो बेसिकली ये एक स्टमक है और स्टमक के अंदर प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो रही हैं. और वो प्रोटीन किस तरह से डाइजेस्ट हो रही हैं, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू डाइजेस्ट हो रही हैं. और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक के थ्रू ये डाइजेस्ट हो जाती हैं. तो इस तरह से जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके फंक्शन के मुताबिक बना हुआ होता है. अब जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी की. जिस ऑर्गन ने जितना कम्प्लेक्स काम करना है, जितना बड़ा काम करना है, उस हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी उतना ही कम्प्लेक्स होता है. इसी तरह जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं. लेस कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. जो एनिमल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मोर कम्प्लेक्स होते हैं. एनिमल जो हैं वो मोर कम्प्लेक्स हैं और प्लांट्स जो हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. प्लांट में सबसे ऊपर हमारे पास उसका एक फ्लावर होता है. उसके बाद हम कहते हैं प्लांट की का स्टेम है. स्टेम के साथ लीव्स हैं और लीव्स के साथ, लीव्स के बाद प्लांट्स के नीचे रूट्स होती हैं. ये इस तरह से हम प्लांट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं. अब प्लांट का हर जो ऑर्गन है
उसका अपना अपना फंक्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि न्यू प्लांट्स बनने में हेल्प करता है. इसी तरह जो लीव्स हैं इसका काम होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्लांट के अंदर जो फूड प्रिपेयर होती है ये उसमें हेल्प करता है. जो रूट्स हैं बेसिकली इनका काम होता है कि ये एंकर करती हैं प्लांट को इन द सॉइल. एंकर का मतलब है कि ये प्लांट को सॉइल के अंदर खड़ा रखती है. इसी तरह स्टेम का ये काम है कि स्टेम पास करता है फूड को और वाटर को, यानी फूड को और वाटर को ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल. तो इस तरह से प्लांट के और पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर भी हमने देख लिया कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है. लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल आ जाता है वो है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल, ओके. इंडिविजुअल लेवल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सिस्टम्स को देख लेते हैं. सिस्टम्स डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन करते हैं तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं. यानी ऑर्गन्स, ढेर सारे ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे और वो एक सिस्टम बना लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन और हमारे ओसोफेगस वगैरह, इसके अलावा कुछ और ऑर्गन, तो इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. इस तरह से ये हमारे सिस्टम्स बन जाते हैं. और यही सिस्टम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल बन गया. इंडिविजुअल का मतलब है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट सिस्टम्स थे वो कंबाइन हुए और एक इंडिविजुअल बन गया. अब एक इंडिविजुअल एक इंसान समझ लें, एक जानवर, कोई भी प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसी तरह उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसके अंदर नर्वस सिस्टम होगा. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसी तरह इनके अंदर मजीद और जो सारे सिस्टम्स हैं वो कंबाइन होके प्रेजेंट होते हैं. ये बेसिकली सारे सिस्टम्स हैं. एक इंडिविजुअल लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी कि वेल कोऑर्डिनेटेड. यानी कि जब कोई एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो हमारे पूरे बॉडी को उस फंक्शन के बारे में पता होता है और पूरी बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेती है, अपने फंक्शंस को, अपने जो भी वो काम कर रहे होते हैं उनको. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सरसाइज की एग्जांपल ले लेते हैं. एक्सरसाइज की, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे जो ब्रेथ रेट है जो हम सांस ले रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है, और हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अपने नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. अब अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें तो काम हमारे मसल्स कर रहे हैं, यानी मस्कुलर टिश्यूज के अंदर काम हो रहा है, लेकिन हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा हार्ट बीट है यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दोनों उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये तीनों मिल के एक पूरा का पूरा फंक्शन जिसे एक्सरसाइज हम कह रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है ये बेसिकली दो तरह से होती है. एक हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं, न्यूरॉन्स वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं डिटेल में. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाते हैं,
डिफरेंट हार्मोन्स आ जाते हैं और इन हार्मोन्स की सिक्रीशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। तो इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आता है तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पूरे सब के सब ऑर्गन, सब के सब सिस्टम्स इकट्ठे काम करते हैं और इस सब को हम कहते हैं कि सब एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रहा होता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है उसे हम कहते हैं लेवल है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं? पॉपुलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हो, यानी उनकी सेम स्पीशी हो और वो एक ही लोकेशन पे, एक ही वक्त में, यानी कि एट सेम टाइम हो, यानी वो तमाम ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हो और एक ही जगह पे एक ही वक्त में रहते हो, तो उन सब को हम कहते हैं कि वो एक पॉपुलेशन है। अब स्पीशी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्पीशी को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। स्पीशी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बन सकें। अब फ्रीली इंटरब्रीड का क्या मतलब है? फ्रीली इंटरब्रीड का ये मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर वो नेचुरली बगैर किसी आर्टिफिशियल तरीके से इंटरब्रीड करें और उनके जो ऑफस्प्रिंग बने, जो नए इंडिविजुअल्स बने, जो नए बेबीज बने, वो फर्टाइल हों। फर्टाइल का मतलब है कि वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हों, जो नए इंडिविजुअल्स हों, तो इसको कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो इस ये जो डेफिनेशन है बेसिकली स्पीशी की डेफिनेशन है कि ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें और वो अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, वो सब स्पीशी के एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्पीशी के एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक स्पीशी है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स के एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट्स के अंदर पी जो मटर होता है ये एक स्पीशी है। इसी तरह अनियन एक और स्पीशी है। पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हायर लेवल हम इसलिए कहते हैं बिकॉज एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंबाइन करते हैं तो एक पॉपुलेशन बनते हैं। पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन से रिलेटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम स्टडी करते हैं। एट्रीब्यूट्स या इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन डेंसिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा जीन फ्लो, या फिर हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं पॉपुलेशन के। इन एट्रीब्यूट्स को हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल है उसे हम कहते हैं, वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी बेसिकली किस तरह से बनती है? कम्युनिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? कम्युनिटी में हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस हो और वो एक ही जगह पे, यानी सेम हैबिटेट, हैबिटेट हम कहते हैं प्लेस ऑफ लिविंग, यानी सेम लिविंग एरिया, और सेम टाइम में वो
रहते हों तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी कि एक कम्युनिटी में बेसिकली डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज होंगी जो कि इकट्ठी एक ही जगह पे रह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में हम देख लेते हैं एक फॉरेस्ट कम्युनिटी को। फॉरेस्ट कम्युनिटी को, अब फॉरेस्ट कम्युनिटी में कौन कौन से इंडिविजुअल्स या कौन कौन सी पॉपुलेशन आ जाएंगी? फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स होंगे, एनिमल्स भी फिर डिफरेंट तरह की स्पीशीज होंगी। एनिमल्स के अंदर स्मॉल इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स में भी इसी तरह जो हर्ब्स वगैरह हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं, इसी तरह फिर जो बड़े प्लांट्स हैं, लार्ज प्लांट्स, वो सब आ जाते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स हम किसे कहते हैं? एक होते हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स और एक हमारे पास होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हम कहते हैं वो तमाम चीज़ें जो कि लिविंग हो, किसी भी एरिया के अंदर तमाम लिविंग चीज़ें बायोटिक कहलाती हैं, और किसी भी जगह के अंदर तमाम नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं उसे हम कहते हैं कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग में हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, डिफरेंट जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे पाए जा सकते हैं उसे हम बायोटिक कहते हैं। और एबायोटिक के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर है, सॉइल है, वाटर है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो एक कम्युनिटी के अंदर होता ये है कि डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स रह रहे हैं, वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, और ये पॉपुलेशन डिफरेंट रेशियोज़ में होती है। डिफरेंट रेशियो के होने का मतलब ये है कि कोई एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, दूसरी पॉपुलेशन बहुत कम होगी, इस तरह से पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बनी होगी। कम्युनिटी को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं, कम्युनिटी इसको हम मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल कम्युनिटी है और एक थोड़ी कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स रहते हों, या बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशंस हों, या फिर जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स बहुत कम हों। और जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस आपस में इकट्ठी रह रही होती हैं। सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी को स्टडी करने का मकसद ये होता है, इसमें बेसिकली होता ये है कि जब भी फ्लक्चुएशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, एक हम सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल कम्युनिटी में आप देख लें थोड़े से इंडिविजुअल हैं, कम्युनिटी थोड़े से इंडिविजुअल हैं जो कि एक जगह पर रह रहे हैं। अगर उनके पास कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, वाटर कहीं पे अगर कम हो जाए तो वो सारे के सारे जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो उससे अफेक्ट होंगे, और वो पूरी की पूरी कम्युनिटी ख़त्म भी हो सकती है, उस पर ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब हम एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमने कहा कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम्बाइन हुई हुई होंगी, तो उसके अंदर जब भी कभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में फ्लक्चुएशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर ही की एग्जांपल ले लें या हम एयर के एग्जांपल ले लें, तो इन दोनों के फ्लक्चुएट करने से, इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने से पूरी कम्प्लेक्स कम्युनिटी पे कोई ऐसा इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कम्युनिटी लेवल के बाद जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पढ़े हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हम कहते हैं कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में कंबाइन करती हैं और डिफरेंट एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कंबाइन करते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक प्लस बायोटिक, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब कंबाइन करती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जितने भी इंडिविजुअल्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाते हैं वो आपस में डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इस इंटरेक्शन को
हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम कहते हैं प्रीडेशन, या हम कहते हैं पैरासिटिज्म, या इनके अंदर एक और रिलेशन जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म, या फिर म्यूचुअलिज्म, या फिर कंपटीशन। इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं, ये वो प्रीडेशन भी हो सकता है, वो पैरासिटिज्म हो सकता है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। इस इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने ओवरऑल पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को देखा था, उसके बाद हमने मोलिकुलर लेवल स्टडी किया, उसके अंदर हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल को देखा, और हमने देखा कि किस तरह से सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और सब इंडिविजुअल्स ने, सब सेल की ऑर्गेनेलीज ने अपना अपना काम डिवाइड किया होता है। उसके बाद हमने टिश्यू लेवल को स्टडी किया, और हमने देखा एक जैसे सेल जो हैं वो एक ही जैसा टिश्यूज बनाते हैं, और वो किस तरह से अपने काम करते हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेन और सिस्टम लेवल से इसी लेक्चर में कंटिन्यू किया। ऑर्गेन और सिस्टम लेवल में हमने देखा किस तरह से हर ऑर्गेन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और किस तरह सारे ऑर्गेन्स कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल को देखा। इंडिविजुअल लेवल में हमने देखा कि जितना सिस्टम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल बनाते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स जब एक ही वक्त में एक ही जगह पे पाए जाएं, हम उन सबको एज पॉपुलेशन देखते हैं। डिफरेंट स्पीशीज, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल एक ही वक्त में हो तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, और वो एक पॉपुलेशन कंबाइन करके एक पूरी की पूरी, डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन करके एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बना देते हैं। और कम्युनिटी के बाद हमने कहा कि एक पूरी कम्युनिटी या डिफरेंट कम्युनिटीज इकट्ठी होती हैं अपने एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, और वो बनाती हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम। ये तो हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे।